PGDCA सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का पहला एग्ज़ाम IT सब्जेक्ट का होगा। टोटल 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 32 नंबर लाना होते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर आपके अगले जो तीन होना है वो 50-50 नंबर के होते हैं। केवल IT का इसलिए 80 नंबर होता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता, ऑनली इंटरनल एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आप निर्देश पढ़ेंगे कि आपका जो प्रश्न पत्र है ये 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत हैं, वहाँ जहाँ उपयुक्त डाटा माना जाएगा, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपयुक्त डाटा माना जा सके। इंग्लिश में आप उसको पढ़ लें, उसको आप मान लो चलें। प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों को रोल नंबर भी अपना लिखना है निर्धारित स्थान पर। यहाँ आप देख रहे हैं रोल नंबर सामने एड्रेस लगा हुआ है, यहाँ पर आप रोल नंबर अपना लिख लेंगे। किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखते हैं। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है अथवा में ये क्वेश्चन, कोई एक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं या तो आप इसको सॉल्व करें या फिर आप इसको सॉल्व करें। इनमें से कोई एक आपको सॉल्व करना होता है। इकाई सेकंड में आप देखेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे अथवा में या फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार इकाई 3 में आप देख रहे हैं आप इसको सॉल्व करें या फिर इसको सॉल्व करें। इकाई 4 में आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, अथवा में ये क्वेश्चन है। इकाई 5 में चलेंगे अपन, तो ये आप देख रहे हैं SDLC के विभिन्न चरण क्या हैं। अब जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें भी आपका अथवा है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सभी के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।